हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है और पाई की जगह पे यहाँ 3.14 का आपको यूज करना है। चलिए सबसे पहले देखिए हेमिस्फेयर किस तरह का होता है। जब किसी भी स्फेयर को, ये मेरे पास एक बॉल है, मैं इसको जब बिल्कुल ऐसे सेंटर में से काट दूंगा ना, तो जो शेप आपको दिखाई देगी वो होगा हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे ये साइड साइड का एरिया तो आपको दिखेगा ही, प्लस जो कटने के बाद इसके ऊपर का जो फ्लैट पोर्शन होगा, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से किया है, ये भी इसका एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के अंदर आपके दो फेसिस का एरिया लगता है। एक तो ये कर्व सरफेस एरिया लगता है, प्लस ये ऊपर जो फ्लैट पार्ट है इसका भी एरिया लगता है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया तो होता है 2πr², क्योंकि पूरे के पूरे स्फेयर का होता है 4, तो 4 का आधा हो गया 2πr², ये हो गया साइड साइड का। और ये जो ऊपर ऊपर, ये बन जाता है आपका सर्कल शेप, तो इसमें सर्कल का एरिया और जुड़ जाता है, सर्कल का एरिया होता है πr². तो इस तरह से ये 2πr² प्लस πr², ये मिलके 3πr² बन जाता है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ आ जाए कि बना कैसे है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास फॉर्मूला होता है 3πr², बस सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, 3 की जगह 3 लेंगे, पाई बुक में कहा है कि 3.14 का यूज करना है, तो 3.14 ही लेंगे, इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 10 है तो 10 इंटू में 10। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 942 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद ये दो नंबर हैं, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 942 पे यहाँ पॉइंट लगेगा और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट भी दो स्टेप आगे मूव हो जाएगा। यानी सिंपली इसका जो आंसर आ रहा है वो 942 आ रहा है, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस हेमिस्फेयर का एरिया होगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।